एक मेथड में तीन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व समझ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड को भी समझ चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर पसंद आएगा वीडियो फिर करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें क्या देखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक दिया है कि 2x प्लस वाई इजकल टू 5 और 3x प्लस 2y इजकल टू 8। ये हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन को लिए हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग ने पहले क्या स्टेप लेना है, हम क्या करेंगे कि ये जो 5 हमारा कॉन्स्टेंट है इसको इस साइड लाएंगे और ये जो 8 हमारा कॉन्स्टेंट है इसको इस साइड लाएंगे। तो हम लोग इसको 2x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0 लिख लेंगे और 3x प्लस 2y माइनस 8 इजकल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा अगर दिया होगा इजकल टू, इस साइड अगर कॉन्स्टेंट नंबर होगा तो हमें इस साइड लेके आना होगा। और देखिए आपको बता देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन दो तीनों मेथड में से ही एक टॉपेस्ट माना जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, एक बार में कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और समझ जाए, और ना तो फिर एक बार और आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे पहले कि इसका ट्रिक यही होता है कि आप पहले क्या लिखिएगा, एक्स वाई और 1, एक्स लेंगे एक्स वेरिएबल के लिए, वाई वाई वेरिएबल के लिए और 1 लेते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट के लिए, ठीक है। ऐसे ही इसका ट्रिक है, कैसे कर काम कैसे करते हैं ये बस आपको देखना है। इतना जो आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग क्या करिएगा कि एक्स वाले टर्म को तोप लीजिएगा, अपने हाथों से एक्स वाले टर्म को तोपिएगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग एक मिनट हम लाते हैं, जैसे एक्स वाले को हम लोग इसे तोप लेते हैं, वन मिनट, ठीक है। तो जब आप एक्स को जब तोपिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, वाई वाले वेरिएबल और कॉन्स्टेंट नंबर। तो वाई वेरिएबल में क्या है, वाई वेरिएबल है तो वाई का वेरिएबल हमें नहीं लिखना है, वाई वेरिएबल का कॉन्स्टेंट लिखना है। तो कॉन्स्टेंट क्या इसका हो जाएगा, वाई का नहीं कुछ है तो 1 है और नीचे वाई का कॉन्स्टेंट क्या है, 2 है, दोनों प्लस में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। और क्या बचा है, इसको तोपने के बाद ये बचा है कॉन्स्टेंट माइनस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5 और माइनस 8। फिर सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस बार x को तोपे थे, इस बार y वाले को तोप देंगे। तो कौन कौन सा बचा, x वाले 2, 3 और माइनस 5 और माइनस 8। तो यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 8 पहले से है, तो कौन सा और यहाँ पे लिखना होगा y के साथ, 2 और 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 और 3 को, ठीक है। फिर हम लोग तीसरे वाले टर्म को तोप देंगे, 1 by 1 को तोपे, तो ये कौन सा बचा, 2, 3 और 1, 2 बचा हुआ है। तो 2 और 3 मेरा पहले से दिख रहा है और कौन सा लिखना बाकी है, 1, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 और 2। क्या आप लोग क्लियर हुआ, क्या आप लोग क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर नहीं होते तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, एक को तोपो और 2 लिख लो, 2 को लिख दिए, इस एक्स वेरिएबल के दोनों साइड लिखना है। फिर सेकेंड वाई वाले को तोपो और वाई वेरिएबल के दोनों साइड लिखो। तो ये वाला टर्म लिखा हुआ था पहले से, जो बचा हुआ रहेगा ना उसको हम लोग लिख लेंगे। फिर तीसरे को तोपेंगे, ये दोनों को लिख देंगे 1 के दोनों साइड। तो ये वाला हमारे पहले से लिखा हुआ था एक साइड और ये वाला इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, पहले हम दोनों को लिखेंगे फिर सेकेंड वाले को तोपेंगे, तो ये हमारे पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बचेगा तो लिख लेंगे, फिर थर्ड को तोपेंगे तो ये वाला लिखा हुआ पहले से हम लोग मिल जाएगा, इसके साथ लिखा हुआ था इसलिए इस यहाँ पे नहीं लिखाएगा, तो ये वाला बचेगा इसको लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ये देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक्स लिख कर और नीचे वाई में जगह दे देंगे, इक्वल टू वाई लिखेंगे और फिर नीचे लाइन खींच के ऐसे जगह दे देंगे, फिर इक्वल टू 1 लिखेंगे और फिर लिख के ऐसे जगह स्पेस दे देंगे नीचे बाई के नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 से लाइन लेंगे 8 की तरफ, ये समझाने के लिए, और 2 को डॉटेड लाइन आपको दिखाते हैं 5 की तरफ। क्यों लिए हैं, मतलब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पहले बताएं कि मेरे हर एक वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाए होंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखिए, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझेगा अगर वो 10th क्लास का होगा तो। 1 और ब्रेकेट के अंदर माइनस 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर मतलब लिख दिए अलग अलग, मल्टीप्लाई के बीच में साइन होगा, ये तो आप जानते हैं ना कि ब्रेकेट में तो मतलब कुछ नहीं है, बीच में साइन है तो मल्टीप्लाई ही है, और बीच में हम लोग क्या लेंगे माइनस का साइन, ठीक है। फिर ये 2 नीचे से फिर ऊपर जाएंगे, 2 और फिर ब्रेकेट में माइनस 5, फिर ऐसे स्टेप यहाँ पे दिखाएंगे वाई के साथ, वाई के नीचे लिखना है तो वाई के बीचों में दोनों साइड जो होगा उसको लेंगे, फिर ऐसे ही 5 से नीचे गिराएंगे और माइनस एट से ऊपर उठाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस 5 और ब्रेकेट में 3 और फिर माइनस
माइनस एट, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि माइनस में और टू ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे वही करेंगे, ऊपर से नीचे गिरा देंगे और नीचे से ऊपर उठाएंगे डॉटेड लाइन, टू ब्रैकेट में टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री और वन। सिंपल हम क्या किए हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए हैं, वन और माइनस एट को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और माइनस के बीच में साइन लगा के फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऐसे इसको इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस का साइन लगा के ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही वन वाले के साथ भी करना है, वन कॉन्स्टेंट के जो लिखे हैं, टू टू को मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस का साइन लगा के थ्री और वन को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, एक्स के नीचे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एट और माइनस टेन आ जाएगा, और माइनस टेन और माइनस मिलकर प्लस टेन इक्वल टू वाई, ये माइनस फाइव और थ्री मिलके माइनस फिफ्टीन, और ये माइनस एट और टू मिलके माइनस सिक्सटीन, और माइनस बाहर रहती है अंदर आएगा तो प्लस सिक्सटीन इक्वल टू में वन, और नीचे क्या आ जाएगा टू टू फोर, और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ थ्री तो थ्री आएगा तो माइनस थ्री, यहाँ तक हो गया ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पर बताते हैं आपको, और थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ है, एक्स माइनस एट और प्लस टेन क्या आएगा टू, माइनस एक्स माइनस टेन जाएगा तो टू इक्वल टू फोर में से फोर वाई सॉरी वाई बाई माइनस फिफ्टीन में से सिक्सटीन जाएगा तो वन इक्वल टू वन बाई फोर में से थ्री जाएगा तो वन, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है तो इसके आगे आप लोग देखिए आपको क्या करना है, आपको इसके बाद क्या करना होगा कि ये वाले टर्म जो कांस्टेंट वाला ये टर्म हुआ ना, ये दोनों वेरिएबल वाला टर्म हुआ, तो एक बार एक्स को उठाएंगे और इसके साथ इक्वल टू के साइन के साथ क्या करेंगे, इक्वल दिखा के कोशिश इसको काटेंगे, जैसे एक्स बाई टू इक्वल टू वन, वन बाई वन मतलब काटोगे तो वन ही ना आएगा तो वन, और एक बार क्या करेंगे वाई बाई वन इक्वल टू वन, मतलब एक बार इस एक्स वाले टर्म को वन से कर देंगे और एक बार वाई वाले टर्म को भी वन से कर देंगे ठीक है, यहाँ तक कर दिए। इसके बाद आपको सिंपल, अब तो मैथ है ये, तो पूरा मैथ ही था, मतलब अब सिंपल हो गया आपके लिए ना, अब एक्स और ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो वन के साथ होगा तो टू आ जाएगा, एक्स का मन टू आ गया, और इधर भी ये डिवाइड में वन है इधर जाएगा तो वन ही आएगा, वाई का मन वन मतलब एक्स का मन टू और वाई का मन वन, ये हमारा क्लियर हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर आपको समझ में आया होगा तो सही है, और जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आएगा एक बार जाकर फिर से इस वीडियो को पीछे करके और देख लें, और फिर समझ में ना आए तो आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तो आप लोग जाकर उसको वन बाई वन करके देखिए। और ये तो अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन में इसको बताएं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को, अभी हम एक्सरसाइज की तरफ जब चलेंगे तो इसको और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे ठीक है। तो वीडियो को अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।